अरे बेबी आराम से बैठना और भगा दूं। अरे ओ निकम्मो उठ जाओ, लेट हो रहे कॉलेज के लिए। अरे उठ लो कंजरो। अरे मेरे को भी लग रहा है मम्मी सपने में मेरे को मेरी बंदी के साथ देख रही है और चिल्ला रही है पीछे से भाई। अरे उठ लो, तुम्हारे सपने में नहीं हूँ मैं, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, खड़े हो लो जल्दी। अच्छा भगवान मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। पापा पापा हम कॉलेज के लिए लेट हो गए। पापा हमें बाइक की चाबी दे दो। बेटा मेरे को बाइक कब मिली थी पता है? जब मेरी शादी हुई थी। अरे पापा जब हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हमारी भी शादी कर दो, हम भी बाइक चला लेंगे। ज्यादा बकवास मत करो समझे। अरे ये लो। एक दो, दोनों को 10-10 रुपए दे देना, रिक्शा में चले जाएंगे। बाइक दे दो इनको। फिर आएंगे कैसे? पैदल आ जाएंगे। अरे मम्मी आप कैसे रह लेते हो इतने खड़ूस इंसान के साथ? अरे बेटा मैं तो मजबूर हूँ, क्या करूँ, मुझे तो अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी क्योंकि मैं 9वीं में 9 बार फेल हो चुकी थी और तेरे पापा जी ने 10वीं करते ही ना चपरासी की नौकरी पकड़ ली और तेरे नाना जी के मुंह पे मारी जाकर सरकारी नौकरी। बस क्या करूँ, मेरी शादी कर दी। तुम उठो ये लो अपने 20 रुपए, चलो आओ जल्दी कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। अच्छा ठीक है मम्मी, चल भाई चल भाई कॉलेज में चलते यार, लेट हो गए, फेल करवा देगा ये। भाई यार एक वक्त खटारा सी बाइक है, वो भी नहीं दे सकते पापा तो। भाई क्या करे यार, इतना रोज का काम हो गया भाई, ऐसे कैसे लड़की सेट होगी मेरे को कॉलेज में यार, लास्ट ईयर आ गया मेरा। और ऐसे रोज रोज लेट होते रहे ना भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा। हे भगवान। और तू भी लड़की सेट कर ले, 10-10 रुपए में क्या खिलाएगा उसको। अरे कोई नहीं बहुत है भाई, ये बहुत है तो चल। लेट हो गए। अरे लेट हो गए भाई, चल जल्दी आ जा। हाँ भाई कहाँ चल दिए? अरे भाई कॉलेज जा रहे थे, तू भी कॉलेज जा रहा है यार, छोड़ दे कॉलेज जाके। हाँ भाई यार छोड़ देगा ना कॉलेज, छोड़ दे। चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो। अरे भाई इतनी बड़ी बाइक पे बैठेंगे? अरे जल्दी बैठना। अबे कंगलो तुम्हारी औकात उस टूटी फूटी बाइक की है, इन बड़ी बाइकों के सपने लेने छोड़ दो और चुपचाप से 11 नंबर की बस पकड़ो और निकल दो। ये बाप यार बेइज्जती कराएगा हमारी। भाई यार पापा वो टूटी सी बाइक भी नहीं दे सकते, कम से कम वो तो दे दे। कहीं जितनी छोड़ेगा हमारी ये यार, ये मैनेजर का बच्चा। और इसकी तो बाइक मेरे को दोबारा दिखी ना, ईंट मार के फोड़ दूंगा मैं। अरे रहने रहने चल जल्दी आ जा कॉलेज, लेट हो गया। आ जा भाई यार थक गया मैं तो। अरे मेरी पिद्दी बैठ जा, आ जा। अरे थोड़ी दूर रह गया जल्दी आ जा चल। ओए 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 भाई उस कमीने की बाइक खड़ी वही है ना ये? हाँ। ईट मार के फोड़ दूंगा इसे। अरे ईट ईट दी। अरे 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 रुक जा, अरे रुक तो सही। अरे 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 भाई 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 रहने दे, देख इसका बाप मैनेजर है भाई, अपने बाप की नौकरी खा जाएगा भाई, चपड़ासी आदमी है वो। तू एक काम कर बोले चल, और देख यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं यार, जल्दी आ जा चल चल चल, अलग बाद में देख लेंगे, आ जा चल जल्दी आ जा भाई। बात सुन, पापा ने सुबह तो बाइक नहीं दी थी पर भाई देख शाम को तो ट्यूशन पे बाइक लेके जानी पड़ेगी क्योंकि तेरी होने वाली भाभी पार्टी दे रही है। क्या बात कर रहा भाई, पार्टी दे रही है? भाई एक बात होता, वहाँ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? अरे ठंडी भी गर्म भी सब कुछ मिलेगा, चल भाई और देख। तो उस बुड्ढे से बाइक में लेके रहूंगा, तू टेंशन मत ले भाई। चल भाई ड्यूटी से वापस आ गया, जल्दी आ जा चल चल जल्दी भाई जल्दी आ। चाय भी पी लो बना लाई। तेरी तरह ये चाय भी फीकी है। शुगर की प्रॉब्लम है ना, इसलिए कम चीनी डालती हूँ मैं। अरे कम तो डाल दे, बिल्कुल ही प्योर फीकी दे रही है। तो चीनी बहुत महंगी है। मम्मी पापा क्या? पापा
बाइक की चाबी दे दो, आपने सुबह भी नहीं दी थी। ट्यूशन पे तो हम बाइक पे ही जाएंगे। ट्यूशन पे पार्टी है, दूध ऐसे मारूंगा फेंक के। चाबी देनी पड़ेगी, बाप को धमकी दे रहा है। चप्पल भाई को मार लो, चाबी मेरे को दे दो। बाइक की चाबी ले लो। चाबी दूंगा, बाइक नहीं देने का। तो पापा खाली चाबी क्या करेंगे हमें? मम्मी आप समझाओ ना पापा को। ये समझाएगी मेरे को? ये समझाएगी? चुप होके अंदर सरक ले। क्यों नहीं समझाऊंगी मैं? छाती पधर के ले जाओगे सब कुछ, देते क्यों नहीं बच्चों को चाबी? ज्यादा लाड प्यार में बिगाड़ मत उनको, उनके फायदे की बोल रहा हूँ। चोट खा लेंगे कहीं। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो रहा है। चल 150 हो जाए, लेकिन वो तो चलाएंगे। टाइम तो खर्च हो रहा है उनका, कितना पैदल जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, किराया नहीं लगेगा। दिमाग से सोचा करो, कुछ भगवान ने दिया हो तो। अरे दिमाग से पेट्रोल नहीं पड़ता, तेरे बाप का पेट्रोल पंप है क्या? सुमित प्लान नंबर 2 एक्टिवेट। बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। ऐसा कर उनके साथ तू भी सिर पटक ले, बाइक फेर भी नहीं दूं मैं। बाइक की चाबी दे दो। दे रहे हो क्या? नहीं 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 दोगे? चाबी दे दो बच्चों को, खाना नहीं दूंगी रात को, नहीं दो मर लो। पड़की कर दे मैं ठंडा के। सीधी उंगली से घी ना निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। चल भाई तेरी होने वाली भाभी पार्टी देगी, ट्यूशन पे आज दो। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक जल्दी चल। अरे रुक जा ना, अरे रुक जा, करना स्टार्ट। अबे रुक जा, चल चलो पीछे 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 थोड़ा पीछे पहले चलो। अरे थोड़ा आगे चलते ही बंद कर दिया। क्या हो गया? अब क्या हो गया इसमें? अरे यार ये खटारा स्टार्ट ही नहीं होती है, कर इसको। अब करना स्टार्ट, पार्टी रह जाएगी। कर रहा हूं ना, रुक जा। तेजस्वी को मैं छोड़ दूंगा ट्यूशन, तुम्हारा बस की नहीं केक वेक खाना। चल चले बेबी। इसकी हंसी तंसी स्टार्ट करके छोड़ूंगा। अबे तू हट ना, मैं करता हूं शॉट। ले हट पकड़। अबे तेरे को आज केक खिला के रहूंगा, रुक जा। भाई कोल्ड ड्रिंक। अबे रुक जा, इसको स्टार्ट तो होने दे कभी ने। 2000 years later। बैक कंजरो, ये बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली, आग लगा दो इस बाइक को। और वैसे भी तुम्हारा बाप चपरासी है, इन बाइकों के सपने देखना छोड़ दो, समझे? हट। बड़े आए मिडिल क्लास कहीं के। हट भाई, चल आज तो इस पापा से ना फैसला करके मानेंगे, चाहे बाइक रहेगी इस घर में चाहे हम रहेंगे, तू चल। बहुत बेइज्जती करवा ली भाई, अब इस खटारा पे कभी नहीं बैठूंगा मैं। इतनी बेइज्जती नहीं करा जाएगी भाई, अब तो केटीएम पे ही बैठूंगा सीधा। चल हमें नहीं बाइक चाहिए, वो भी केटीएम, और हम बाइक लेके रहेंगे। हाँ मम्मी, या तो दिला दो वरना हम इस बाइक को आग लगा देंगे।
उस मैनेजर के लड़के ने हमारी बेइज्जती कर दी, ना कट गई हमारी। दिलाओ तुम्हें बाइक, जाके सो जाओ पढ़ के अपने कमरे में। केटीएम चाहिए इनको। चल चल चल, अरे रिवाइव दे रहा, अरे अरे दे रहा, अरे गोली खत्म हो गई। भाई भाई गाड़ी बक दे सारे कुत्ते। मर गया। मर मर। देख कैसे दोनों के दोनों खेल में लगे हुए हैं। जाओ दोनों टिंडे लेके आओ। अबे मम्मी आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन वाले दिन कौन टिंडे खाता है, किसके घर वाले टिंडे खिलाते हैं। कोई केक वेक मंगवा दो मम्मी। अरे केक वेक में क्या निकालोगे, टिंडे खाओ, बढ़िया हरी सब्जी, सेहत बनेगी। बाइक ले जाओ और दोनों भाई जाओ टिंडे लेके आओ। चल टिंडे सी शक्ल के टिंडे लेके आएंगे। अब छोड़े तू मेरे को ये बता, बर्थडे वाले दिन यार टिंडे कौन मंगवाता है, किसके घर के मंगवाते हैं सब्जियां। ठीक कह रहा है भाई, कोई केक से कटवा देते। रेवड़ी लिया मूंगफली लिया यार। सही कह रहा है, हमारी किस्मत में भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऊपर से वो खटारा बाइक ना स्टार्ट होती दिमाग खराब कर देती है। भाई देख ये फिर स्टार्ट नहीं होगी और फिर वो मैनेजर का लड़का चिढ़ाएगा मैं यार। ठीक कह रहा भाई, चल कर ले स्टार्ट हो जाए तो। भाई मेरा मन तो भाई बाइक में आग लगा दी यार। ओए अब छोड़ ना यार, क्या हुए कर रहा है भाई, देख इधर देख। अबे ये तो केटीएम है, पर अपनी चद्दर के नीचे केटीएम। जरूर वो मैनेजर का लड़का होगा, कमीने का काम मिलेगा ये। सही कह रहा भाई, उसने लगता है चद्दर भी नहीं छोड़ी, चद्दर भी चुरा ली। तू कहीं तो ईंट मार के फोड़ दूँ इसे। अरे रंदी भाई रंदी रंदी यार, पापा मारेगा मैं। मम्मी मम्मी मम्मी, हमारी चद्दर चुरा ली इसने, गंदे ने कमीने ने मैनेजर के लड़के ने। क्या हो रहा है, क्यों भौंक रहे हो इतना। मम्मी इस मैनेजर के लड़के ने हमारी बाइक की चादर चुरा ली और कमीना एक नई बाइक और लिया है। और क्या मम्मी, अपनी चादर के नीचे इनकी बाइक घुसी हुई है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटा ये उनकी नहीं है, ये तुम्हारी है। मम्मी मान लियो मेरा बर्थडे है, पर बर्थडे वाले दिन ऐसा मजाक नहीं करते हैं। अरे मजाक नहीं है बेटा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। पापा देखो मैनेजर का लड़का नई बाइक लिया है, हमारे सपनों की बाइक। तो कितना भौंकते रहते हो, कुछ पूछ भी लिया करो किसी से। मैनेजर का लड़का नहीं लेके आया तो उसका बाप ले आया होगा। अरे उसका पापा नहीं बेटे, तेरा बाप लेके आया है। अरे सुनो भगवान, आज तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई। इसमें कौन सा नई बात है, मैं तो रोज ही करती हूँ तुम्हारी बेइज्जती। मैं अपनी बेइज्जती की बात नहीं कर रहा, हमारे बेटों की बेइज्जती हो गई है। हाँ तो कौन सा नई बात है, रोजा करो तो मैं बेइज्जती। अरे आज उस मैनेजर के बेटे ने हमारे बच्चों की बेइज्जती कर दी। तो उसने कर दी तो क्या नई बात है, तुम भी तो रोज करते हो मेरे बच्चों की बेइज्जती। नहीं, हमारे बच्चों की बेइज्जती और उनको डांट मारने का अधिकार सिर्फ हमारा है, बाहर वालों का नहीं। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो, अब क्या करोगे। उनके लिए नई केटीएम बाइक लाएंगे। अरे वो तो बहुत महंगी बाइक है, तुम ठहरे चपड़ासी आदमी, इतनी महंगी हम तो ले नहीं सकते। चपड़ासी हूं तो क्या हुआ, बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन बाइक लाके रहूंगा। मैं तो तुमको मनमानुष समझती थी, तुम तो देव मानुष निकले। हे भगवान मेरे देवता हो तुम तो देवता। आप ले कितनी तो नहीं बेचती। दोनों है बेटा, पर मैंने ना वो बेच दिया। हे मां माता जी, बेच दिया। अरे अब हम कहां सोएंगे, कहां खाना बनाऊंगी, मैं केटीएम पे खाना बनाऊंगी क्या। अरे ओ अक्कल की जन्मजात दुश्मन, मैंने 9 लाख बेचा है। 9 लाख बेच दिया। अरे एक ही टिक्की बची थी 9 लाख का साबुन की, अब मैं कैसे कपड़े धोऊंगी, इतने सारे कपड़े धोने थे, अब लाना पड़ेगा ना 9 लाख का साबुन। अगर अब बोली तो तेरी नई मम्मी ला दूंगा आज। मैंने 13 9 लाखा हार बेच दिया। लोकेश मर गई, नई बाइक अब शाम तक मम्मी भी नहीं ले आएंगे आज तेरे लिए। ऐसे मरने का सपना मत देखो, मैं मरने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी छाती पे मुंह दलूंगी। ड्रामा कर रही थी।
अपने बच्चों के लिए तो एक नौ लखा क्या, हजार नौ लखे कुर्बान मेरे बच्चों पे। और मेरे लाल, तुम्हारी बेइज्जती करने का या पीटने का हक सिर्फ हम दोनों को है। क्या वो मैनेजर का बेटा, क्या उसकी बिसात, छे छे बाइक खड़ी कर देंगे तुम्हारे लिए उसके नाम पे। तो अरे बेटा, मिडिल क्लास है तो क्या हुआ, अपने बच्चों की बेइज्जती थोड़ी करवा देंगे किसी के सामने। लव यू मम्मी। थैंक यू पापा। लव यू मम्मी। लव यू बेटा। लव यू पापा। और हाँ, किधर खड़े हो जाओ दोनों के दोनों, कोई गर्लफ्रेंड मत पटा लेना इस बाइक के चक्कर में, वरना भूतनी के मारूंगा बहुत। और हर संडे को ये मेरे को चाहिएगी, इसको लेके जाऊंगा यूं यूं। सुनो ए उल्लू के पट्ठो, सिर्फ मेरे से पूछ के गर्लफ्रेंड पटाना। वो क्यों मम्मी? मैं डिसाइड करूंगी ना कौन सी लड़की ठीक है। हाँ ये गुड आइडिया मम्मी। मतलब मैं भी ऐसा करूँ तो डिसाइड मेरे लिए? नहीं नहीं, मतलब ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे सारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जाके चैनल सब्सक्राइब करें। ये सारे यूट्यूबर एक ही लैंग्वेज क्यों बोलते हैं यार? आपको दिल से वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, और हम चारों को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और इस प्राणी का नाम है सुमित बयान, चैनल कहीं मिले ना सर्च वर्च में तो देख लेना फॉलो करके, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइज ऐसे प्यार दिखाते रहना। लव यू गाइज, बाय बाय।